చేతులు అయ్యో అమ్మా శక్తి. ఆ స్వాధ్యాయ చింతన కుమార క్రమాంక 864 दिन रविवार तारीख 18 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अनुभूषण जी जो BDS MDS FICD USA से हैं। जी और आज आपका जो विषय है वो है आपकी मुस्कुराहट डेंटल इम्प्लांट के साथ। इससे पूर्व डॉक्टर साहब हमारे यहाँ 10 अक्टूबर 2021 में आए थे और तब हमारा एपिसोड 165 था, यानी कि ऑलमोस्ट 710 एपिसोड के बाद आप आ रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और आपके लास्ट एपिसोड को करीबन 500 से ऊपर लोगों ने देखा, जो आपने बताया था उसमें आपका टॉपिक था शरीर एक मंदिर है और दंत स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का द्वार है। तो आज का जो डॉक्टर साहब ले रहे हैं अपना डेंट इम्प्लांट के ऊपर, तो इम्प्लांट पे कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे कि हम लोग इम्प्लांट कब कराएं, किस वक्त में कराएं, कौन सा कराएं, किस तरह के इम्प्लांट हम लगाएं, मार्केट में कई तरह के इम्प्लांट अवेलेबल हैं, और इम्प्लांट कराने के बाद हम क्या बिल्कुल ही उसमें एक बार इम्प्लांट करा लिया तो बिल्कुल उससे ये हो जाएगा कि आपको जो मर्जी खाएं पिए, किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों मतलब कुछ लापरवाही पेशेंट की तरफ से भी होती है, मतलब तो पेशेंट को उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब हमारे फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इम्प्लीमेंट्री संतोष मेडिकल कॉलेज में रह चुके हैं, फेलोशिप इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट USA से हैं, एडवाइजर इंडस्ट्रीज लंदन UK और मेंबर अमेरिकन अकेडमी से हैं। अब ज्यादा समय लेते हो, हम आदरणीय डॉक्टर अनुभूषण भूषण साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी मैं रखें। अपना पावर पॉइंट ऐड कर सकता हूं इसमें। हाँ जी, जी बिल्कुल करियो, और स्क्रीन दे रखिए। इशूज आपके हैं, ठीक है आ गया। शेयर आज का टॉपिक जैसा कि आपको अवगत है अरविंद जी के अनुरोध से, और अरविंद जी से मैं कम से कम नहीं तो शायद 30-35 साल से तो जुड़ा हुआ हूँ। इनका स्नेह और प्यार तो मैं क्या बताऊँ, कुछ मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। और मैं कहा सभी अवगत हैं इनके स्नेह और प्यार से, तो समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो टॉपिक है कि आपकी मुस्कुराहट डेंटल इम्प्लांट के साथ। मैंने एक स्लाइड जो पिछली बार बोली, कुछ मैंने वो स्लाइड शेयर करी है, वो ये है कि शरीर एक मंदिर है और दंत स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का द्वार। और मैं एक छोटा सा एक किस्सा शेयर करूंगा। बहुत साल पहले जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, तो मेरे फादर के एक कुलीग थे, वो रोड यूपी रोडवेज से रिटायर थे। तो वो मेरे से कहते थे कि बेटा अगर मसूड़े खराब होंगे ना तो तबीयत खराब हो जाती है, ये याद रखना। तो मैंने जाके अपने किसी सीनियर से पूछा, तो उन्होंने समाओ इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कहते हैं तुम चुपचाप डेंटिस्ट्री सीखो, इन सब चक्रों में मत पड़ो। और आप सुन के हैरान होंगे, अब पिछले करीब 15 साल से ये अवगत हुआ है कि अगर आपका डेंटल डिजीज कंट्रोल में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे वो हानिकारक हो सकता है। तो यही सोच के मैंने पिछली बारी टॉक भी दी थी। मैं हमेशा अपने फादर को हमेशा याद करता हूँ, इसलिए कोई भी चीज अच्छी करने से पहले भगवान को और उनको याद करता हूँ। उनका मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा है। और ये हमारी टीम है क्लिनिक की, मेरा बेटा, मेरी बहू और एक हमारी डॉक्टर हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो आपको तो खुशी देती है, दूसरों को भी बहुत खुशी देती है। इसलिए खुल के मुस्कुराइए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दवा मुस्कान है। इसके लिए मुस्कुराते हमेशा रहिए। अपने उत्तम स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान अर्जन करना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे हमारे सामाजिक प्रसंग में मैंने ये देखा है कि लोग चिंतित तो बहुत रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशन भी और पब्लिक एट लार्ज भी इसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट कम रहा है कि हम लोगों को ज्ञान बांटें, जिससे लोग बीमारी होने से पहले ही
जागरूक हो जाएं और बीमारी हो ही ना। बट इसलिए अपना रख रखाव करना, उसके लिए के लिए चिंतित होना, तो बट जागरूकता बहुत चाहिए और जागरूकता के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ समाज में अक्सर यह है कि स्वास्थ्य को एक मजबूरी माना जाता है, जबकि वो आपका ही दायित्व है। और मेरे ख्याल से उसके बारे में, और मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट है कि जो ज्ञान व्हाट्सएप से और दूसरे सोर्सेस से आता है उसको पहले से कंफर्म करें, क्योंकि बहुत कुछ आज की तारीख में व्हाट्सएप ने ज्ञान बांटा है, अच्छी चीजें भी बांटी है, बट ये है कि उसको कहीं ना कहीं से कंफर्म जरूर करें, और आपकी दिनचर्या में वो ज्ञान मर्ज कर जाना चाहिए। एक चीज और मैं हमेशा कहता हूं, शायद दिन में कई मरीजों को, कि अपनी तुलना किसी भी हालत में किसी और से ना करें। आप अपनी तरह के इकलौते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, आप एक प्रकृति की अनोखी एक कृति है, तो उसमें ये ना सोचें कि मैं वो तो ऐसा करता है इसलिए मैं भी ऐसा ही करूं, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि हमारी हर इंडिविजुअल बीमारियां सबकी विशेष अपने लिए होती हैं, किसी को कोई चीज सूट नहीं करती, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिनका अभी तो मुझे नहीं लगता चर्चा का अभी समय है हमारे पास, तो हम ये जरूर देखें। और WHO भी कहता है कि वो कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, खाली बीमारी के एब्सेंस नहीं है कि हम हेल्दी हैं, हमारी सोशल वेलबींग भी बहुत जरूरी है और मेंटल वेलबींग भी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी कारण में स्ट्रेस पाल रहे हैं तो वो किसी भी तरह से वो अच्छा नहीं है। और थोड़ा बहुत रोग तो अभिन्न अंग है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है, और कभी कभी मैंने देखा है कि लोग अपने स्वास्थ्य का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, वो उनको कुछ कहिए कि भगवान की देन है कि उनको, अक्सर कहिए हुआ कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो कभी अस्पताल ही नहीं गए, तो मैं कहता हूं भाई इस बात को, बहुत अच्छी बात है आप नहीं गए, बट इसको आप उसको थैंक यू बोलो जिसने आपको अच्छा स्वाद दिया है, हर चीज हम खुद नहीं करते, हमें खुद तो रखना है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ही। रोकथाम जैसा कि स्वास्थ्य से संबंधित है, वास्तव में बीमारी शुरू होने से पहले ही उससे बचने के बारे में, इससे अवांछनीय स्वास्थ्य घटना से पहले किसी बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्या की शुरुआत को रोकने के लिए योजनाओं और किए गए उपायों के रूप में परिभाषित किया जाता है। रोकथाम तीन तरह से होती है, एक तो यही कि प्राथमिक रोकथाम है, उसमें यह है कि हम बीमारी को, जिसमें वैक्सीनेशन, हमारा रेगुलर चेकअप और ये सारी चीजें आती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन डेंटल में यह है कि आप जो जागरूकता से ब्रश कर रहे हैं, आप हर खाने के बाद मेंटेन करते हैं, वो सारा कुछ प्राइमरी प्रिवेंशन में। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी प्रिवेंशन की जानकारी के लिए बहुत कम मरीज हैं जो आते हैं आज के युग में, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आते, बट आते हैं। दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, उसको सही टाइम से इलाज करा के वहीं का वहीं रोक लिया जाए। वो जैसे दांत में कीड़ा लग गया, हमने उसमें फिलिंग करा ली, मसूड़ों में डिपॉजिट्स हो गए, मसूड़े लूज हो गए, तो वो आपके उनका सफाई होके मसूड़ों का इलाज हो गया, और टाइमली उसका ट्रीटमेंट करा के हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन कर लिया। टर्शियरी प्रिवेंशन है कि हमने उसके पूरे नुकसान को होने दिया, उसके बाद हमने उसको, उसके बारे में कुछ सोचा, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन है। प्राथमिक में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे तंबाकू खाते हैं उसका उपयोग छोड़ दें, टीकाकरण है, व्यायाम है, जीवन शैली है, खान पान है, ये सब कुछ इसी में आता है। किसी प्रभाव से पहले ही हमें उसमें हस्तक्षेप करना है। माध्यमिक यह है कि हमें बीपी हो गया है तो हम उसकी दवाई खाएं और टाइम से उसकी मैनेजमेंट करें, जिससे हमारा वो एडवांस ना हो, ज्यादा ना बढ़े। ऐसे ही कीड़े की वो फिलिंग हो जाए, रूट कनाल हो जाए, मसूड़े हैं तो उनकी अगर सर्जरी होनी है, बाई चांस ज्यादा खराब है तो इस स्टेज पे हम। थर्ड यह है कि वो जटिलताओं में और बढ़ गया है बीमारी,
और उसमें कुछ ना कुछ हमारी आजकल जो कैंसर में ये कीमोथेरेपी है, वो सारी चीजें वो टर्शरी ट्रीटमेंट में आती है। अब इन शॉर्ट में इम्प्लांट उसी का भाग है, वो टर्शरी का ही हिस्सा है, क्योंकि हम दांत खो चुके हैं तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है। ये चीज मैं हमेशा कहूंगा कि इम्प्लांट की बारे में जानकारी बहुत अच्छी बात है, पर ये कभी भी नहीं। जो आपको भगवान देता है हम उससे किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। भले हम हार्ट में बाईपास कराएं, दांत में इम्प्लांट लगवाएं, घुटनों का वो कराएं, हिप रिप्लेसमेंट कराएं, ये सारी चीजें कृत्रिम है और इनको किसी भी हाल में उससे कंपेयर ना करें जो हमें भगवान ने दी थी। वो कभी उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगी, ये कितना भी क्लेम्स आ जाए मेडिकल साइंस में, पर ये कड़ू सत्य रहेगा। तो हम जाते क्यों हैं डेंटिस्ट के पास? एक तो ये कि प्रिवेंटिव चेकअप है, हम खाना खाने में हमें सक्षमता है तो जाते हैं। कई बार हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स हमारे दांत गंदे हैं, हमें सफाई करानी है, इसलिए भी जाते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम, और आजकल क्योंकि जागरूकता बढ़ गई है तो आप लोग जानते हैं कि इससे जनरल हेल्थ पे भी असर है। जनरल हेल्थ पे यह असर है कि अगर इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं, जिनको मसूड़ों की प्रॉब्लम खास तौर से हो तो उनका उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनके अगर शुगर है तो शुगर का कंट्रोल होने में कहीं ना कहीं कमी आती है। ऐसे बहुत मरीज हैं जिनके मसूड़े ठीक हो गए और उनकी शुगर भी कंट्रोल में आ गई। उसके बाद जो सबसे गंभीर है, जिसका भी ज्ञान बहुत लिमिटेड लोगों को है, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको मसूड़े खराब होते हैं तो वो लेडी प्री मेच्योर डिलीवरी भी कर सकती है और जो बच्चा भी है वो लो बर्थ वेट का हो सकता है। तो इसलिए जैसे पुराने जमाने में कह देते थे कि नहीं ब्रश ना करे जो प्रेग्नेंट लेडी है, ऐसा नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस नॉर्मल से ज्यादा होनी चाहिए। बाहर के देशों में बड़ा नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी रिपोर्ट करती है किसी भी ओपीडी में, उसको डेंटल चेकअप के लिए भेजा जाता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई नो इम्प्लांट से रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये कुछ ज्ञान तो बांट ही रहा है। हम ओरल हेल्थ में हमारा सब कुछ है, जबड़े हैं, हमारी मांसपेशियां हैं चबाने वाली, हमारा तालू है, हमारे मुंह और उसकी परतें हैं, छाले हो जाते हैं, जैसे जीभ कट जाती है, लिप्स में कभी कभी बाइटिंग हो रही है, छाले हो रहे हैं, हमारी ये ग्रंथियां हैं। आजकल जो लेटेस्ट है वो हमें टीएमजे, ये जो हमारा जॉइंट होता है, ये बड़ा यूनिक जॉइंट है शरीर में, जो कि सिर्फ इसका कोई आगे, ये दोनों तरफ मतलब सिर्फ मांसपेशियों से लटका हुआ है। तो इसकी बारे में जानकारी इसलिए क्योंकि यंग लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी काफी हो रही है। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बट ये कटु सत्य है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं कल कभी फ्यूचर में हम लोग उसके बारे में बात कर सकते। और हमारा जो मेन फंक्शन है वो खाने का है, बोलने का है, और इनिशियल डाइजेशन है, और कनेक्शन विद वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अब अगर आपके किसी वजह से दंत रोग है या दांत नहीं है तो बहुत सारी चीजें हैं, ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होती है, ईटिंग इफेक्ट होता है, स्पीच इफेक्ट होती है, मुंह में दर्द है, आप सेल्फ अगर दांत हिल रहे हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी कॉम्प्रोमाइज होती है, आप इंट्रैक्शन स्लीपिंग के साथ प्रॉब्लम है, और डेंटल प्रॉब्लम्स इसमें है। अभी तो फिलहाल हम मिसिंग टीथ की बात करेंगे। अब मिसिंग टीथ में अगर हम कम दांत हैं तो हमारे बाकी दांतों में इंफेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि लोड बढ़ जाता है, डिस्कम्फर्ट है ईटिंग में, हमारा जॉ बोन का डिटोरेशन है, बाकी दांतों में मिसअलाइनमेंट है, स्पीच में इफेक्ट है, कभी कभी आपकी एग्जाइटी डिप्रेशन और लोअर सेल्फ एस्टीम का कारण बन सकता है। अब ये देखिए, यहाँ आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं जिसमें दांत नहीं है, पीछे का दांत शिफ्ट करके टेढ़ा हो गया। तो ये नुकसान होते हैं जब हम दांत नहीं लगवाते। खास तौर से हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से दांत ऐसे हैं जो ना लगने से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें से पहला दांत, चारों, हमारा जो फर्स्ट मोलर है,
क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर सामने का दांत जाता है तो लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट दाढ़ें अगर कोई टूट जाती हैं तो मेरे पास बहुत अभी भी इवन टुडे लोग ऐसे हैं जब सामने के दांत पे बन आई तब जाके तुरंत आए कि डॉक्टर साहब अब तो सभी लगवाने। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी सक्षमता, ये देखिए ऊपर का दांत नीचे लटक गया है इसमें और पीछे के दांतों में स्पेस आ गई है। अब इस देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप की सेल्फ एस्टीम भी अफेक्ट होती है। आप अगर गौर से देखें तो एकदम दांत मिसिंग है, ऑब्वियस हो रहा है। अगर यहां देखें तो एक इस पर्सन को इसका एक कान नहीं है, वो किसी ने नोटिस नहीं किया, उसके दांत में गैप है वो नोटिस में आ रहा है। तो ये चीजें बहुत ऑब्वियस हैं क्योंकि वो हमारा जो चेहरा है वो हमारे हमारा रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी का, तो उसकी रख रखाव हर तरह से वैसे भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब जो मिसिंग दांत हैं वो तीन तरह से लगाए जाते हैं। जो पुरानी प्रथा है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, वो आज भी वैलिड है। समाओ कई लोग ये सोचते हैं कि डेंचर की साइंस तो खत्म होगी, वो अलग बात है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कॉलेजेस में अब डेंचर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे सिर्फ इम्प्लांट ही सीखना चाहते हैं। तो जहां किसी वजह से इम्प्लांट नहीं लग सकते हैं तो आज भी डेंचर उसका ऑल्टरनेटिव है। फिक्स पार्शियल ब्रिजेस बहुत कम बनते हैं, मैंने शायद अपने जीवन में कम ही लगाया ओवरऑल, क्योंकि मैं कभी इस चीज से सहमत इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें दांतों को घिसना बहुत पड़ता है। आप एक चीज को ठीक करने के लिए बगल के दांत घिस रहे हैं, और बाकी थर्ड है ऑब्वियसली डेंटल इम्प्लांट। ये डेंचर्स होते हैं, ये ब्रिज है जिसमें बगल के दांत घिस के ब्रिज बनाया गया है, ये भी ब्रिज है, ये इम्प्लांट है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम अधिकांश लोग इस तृतीयक रोकथाम की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जिसको कि सिर्फ इम्प्लांट से ही रोकथाम उसकी पॉसिबल है। अब ये इसमें कोई दो राय नहीं कि डेंटल इम्प्लांट आने से हमारी ओवरऑल डेंटल साइंस का बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया है, ये बड़ा नई वो है आविष्कार है जिससे कि रिहैबिलिटेशन बहुत अच्छी क्वालिटी का होने लगा है कंपेयर टू डेंचर एंड ब्रिजेस। अब आज हम बात करेंगे, उसका ज्ञान तो लेंगे, लाभ क्या है और अपनाने की सीमाएं क्या है, और जटिल जानकारी सारी मैं आपको दूंगा। अब दांत किसी भी वजह से जा सकता है, या तो चोट लगने से, ये जो दांत चोट लगने से होते हैं और यंग एज पे होते हैं, ये ऐसे उस कैटेगरी में आते हैं जो तुरंत रिप्लेस हो सकते हैं, इसमें इम्प्लांट तुरंत लग सकता है, अभी डिटेल में बाद में बताऊंगा। या कीड़ा लगने से दांत आपका खराब हो गया है, सड़ गया है, तो फिर बच नहीं सकता, रूट कैनाल से तो भी निकाला जाता है। और तीसरा है अगर मसूड़ों की बीमारी हो गई है और उसमें किसी कारण से आपके हड्डी बिल्कुल ढीली हो गई है और दांत हिलने लगे हैं तो निकालने पड़ते हैं, तो आप डेंचर और उससे बच जाते हैं और हंसने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। और ये स्थायी चिकित्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें बहुत ही सक्सेस रेट बहुत अच्छा है अगर उसके जो रूल्स हैं रेगुलेशन है वो फॉलो हो, और एक मजबूत आधार देता है इम्प्लांट। इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारा जो सबसे मैंने ये नाम नेट पे ही पढ़ा, दंत प्रत्यारोपण, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम अंग्रेजी नाम आजकल हिंदी भी की भी जानकारी मुझे लगता है अरविंद जी भी सहमत होंगे कि हिंदी के नामों का भी प्रयोग होना चाहिए। तो ये इसका जो फर्स्ट असेसमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी एक्सरसाइज का, क्योंकि पहले ये उपयुक्त है नहीं है पेशेंट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्प्लांट में।
आप सुन के हैरान होंगे, अगर हमारे पास महीने में 25-30 रिक्वेस्ट आती हैं, उनमें से कभी कभी हम 8-10 तक रिजेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए जिनकी HbA1c 12 थी, और वो डेस्परेट थे कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे इम्प्लांट लगा दीजिए। मैंने कहा जी अभी तो आप 6 महीने भूल जाओ, 12 से आप 7 तक ले आओ तो फिर भी हम सोच सकते हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है। और या कोई मेडिकल इश्यू है जिसमें हम ज्यादा सुन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट इश्यू होता है। और फिर इसको एक आजकल अभी बल्कि यही चर्चा हो रही थी अरुण जी से कि इसको सब चीज कंप्यूटराइज हो गई है। तो पहले हम लोग सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे इम्प्लांट लगाते थे, आजकल 3D स्कैन होता है, उसको CBCT कहते हैं, कोन बीम CT, कोन बीम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो उसमें एक्सपोजर बहुत कम होता है। पहले जो CT स्कैन नॉर्मल कराते थे उनमें रेडिएशन एक्सपोजर बहुत होता था। तो ये उसके एक बहुत बड़ा ये वो है। और गाजियाबाद में शायद 3-4 सेंटर हैं, और ये बहुत मतलब गर्व का विषय है कि गाजियाबाद में ही होता है, इसलिए कोई किसी को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। क्योंकि मुझे याद है एक जमाने में हम शुरू में कराते थे तो दिल्ली पेशेंट जाता था ये कराने, और वो बहुत कराते थे कुछ लोग। बट एक बार ये हमारा असेसमेंट हो जाए तो फिर जो एरिया है वहां सुन किया जाता है। और आजकल जो हमारे यहाँ जैसे मशीन है वो वही जो AI की बात कर रहे हैं वो कंप्यूटराइज्ड है, जिस जो वो जब ड्रिल करती है तो मशीन प्रेशर अपने आप फील करती है और अपने आप उसके जो रेजोल्यूशन को कंट्रोल करती है। मतलब आप ऐसी मशीनें आ गई हैं जब आप ड्रिल करें तो ये नहीं कि आप हड्डी अगर मुलायम है तो अपने आप वो स्पीड बढ़ा लेगी, अगर सख्त है तो बहुत स्लो चलेगी, और उसमें बहुत सारे सेंसर्स भी रहते हैं। तो एक बार मसूड़े को काट के हड्डी को एक्सपोज करके ड्रिल कर लिया गया, फिर उस ड्रिल में नेचुरल है कि वो ये कस दिया जाता है एक हैंड ड्रिल की मदद से या उस मशीन की मदद से इम्प्लांट लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर स्टिचेस दोबारा कर दिए जाते हैं और उसको छोड़ दिया जाता है। अभी वो तुरंत वाली बात हम बाद में करेंगे। और इस इम्प्लांट को जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि अक्सर लोग इस बात से अवगत नहीं है कि इम्प्लांट को मिनिमम 3 to 4 months छोड़ना है। आज भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इम्प्लांट को तुरंत लोड करके या क्राउन लगाने की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा सा पेशेंट प्रेशर कहिए या जो भी कह लीजिए रिप्ले, उसके ऊपर लोडिंग बहुत जल्दी होने लगी है। वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ फेलियर्स का, क्योंकि जब तक वो इम्प्लांट सक्षम ना हो जाए कि वो हड्डी में बिल्कुल मजबूत है, ये वैसे ही है जैसे आपने कंक्रीट में एक डाली है तो जब तक उसके आसपास की कंक्रीट मजबूत नहीं हो जाएगी तो वो नहीं इस लायक होगा कि वो कई महीने तक उसको छोड़ना पड़ता है, वो ऑसियो इंटीग्रेशन हो जाता है। जब वो मजबूत हो जाता है तो दोबारा हल्का सा एक पंच करके होल करके या चीरा देके एक अटैचमेंट लगाया जाता है जिसको कि हीलिंग स्क्रू या जिंजिबल फॉर्मर कहते हैं। वो हफ्ता 10 दिन छोड़ने के बाद फिर हम उसमें एक अटैचमेंट लगाते हैं जिसको कि अबटमेंट कहते हैं, और उसके ऊपर नाप लेके फिर आजकल तो हम लोग हमारी क्लिनिक में तो स्कैन होता है पर कई लोग इंप्रेशन भी लेते हैं, दोनों तरह से ठीक है। स्कैन डेफिनेटली ज्यादा मॉडर्न है और काफी एडवांस्ड है, स्कैन में सीधे लैब में चला जाता है और लैब अपने आप उसी स्कैन के बेसिस पे आपका उसके ऊपर का क्राउन बना देती है। एक बार लग जाए, एक सेकेंड, एक बार लग जाए तो फिर उसके ऊपर अगर गैप ज्यादा है तो उसके ऊपर भी ब्रिज बन सकता है, या अगर कई सारे लगे हैं और उनके ऊपर हमें डेंचर फिक्स करना है वो भी मुमकिन है, क्राउन तो बन ही सकता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका नियमित और रेगुलर चेकअप होना चाहिए, और जब लग जाए तो ये
मैं पेशेंट्स को भी हम लिख के तो देते ही हैं, बट कम से कम आधा घंटा बैठ के हम उनको पूरा क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या रख रखाव है, जिसमें पुराना हमारा वाटर ब्रशिंग तो है ही, और ये दीर्घकालीन समाधान है। और अभी क्योंकि आए हुए इनको 15-20 साल हुए हैं, 20 साल कह लीजिए, और होपफुली जिस तरह से ये साइंस एडवांस हो रही है, ये जब भी आप लगवाएंगे मोस्ट लाइकली ये जीवन भर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके 3 पार्ट होते हैं। फेज वन में पहले इम्प्लांट लगाया जाता है, फिर वो छोड़ दिया जाता है, उसके बाद एक अटैचमेंट लगाया जाता है जिसको कि अबटमेंट कहते हैं, बाद में क्राउन लगता है। अब इसमें सिंगल टूथ मिसिंग हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो लगा दिया जाता है, उसको फिक्स करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जिसका ये उदाहरण है, अगर ये कई हमारे अपने पेशेंट्स की एक्सरे हैं जिसमें कई सारे लगे हैं, आप देखें कई लग के, इसमें फिर बाद में क्राउन अगर बगल बगल में है जैसे दिखाया गया, बट इस पेशेंट में हमारे, एंड आप सुन के हैरान होंगे, ये जो लेडी है जिनके लगे हैं ये 80 साल से ऊपर है। तो अब इनका ऑलमोस्ट काम हो गया है, पर मैंने कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि कैसे इम्प्लांट दिखने में कैसे लगते हैं। अब ये जो लेटेस्ट है वो ये है कि जो एक भी दांत नहीं है आपके मुंह में और आप डेंचर नहीं चाहते हैं, तो उसमें इम्प्लांट लगा के उसी पे सपोर्टेड डेंचर बनाया जाता है। हमारे फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट फ्यू पेशेंट्स हैं, मैं उसके, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था, वो मैं उसके एक्सरे फोटो नहीं कर पाया हूं, बट वो एक जापानीज पेशेंट था जो होंडा से आया था, तो इस बात को कम से कम 7-8 साल हो गए। तो वो कहीं से कुछ प्रॉब्लम लेके आया था, तो फिर उसके दांत और निकले तो फुल डेंचर उस पर बन गया। अब हम इस बात पे आ रहे हैं कि अब इनके लाभ तो मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, असली दांतों की तरह है, ब्रिज और उससे नहीं है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देखिए, जो मैं चर्चा कर रहा था कि बोन हमारी होती है, ये बोन 4 तरह की होती है, बड़ी ये इंटरनेशनल लेवल पे ये वर्ड्स यूज होते हैं, D1, D2, D3, D4। D1 बहुत हार्ड बोन है। अब ये जो हम बताते हैं, मैंने बताया कि लेटेस्ट मशीन्स यूज करते हैं, वो ऐसे बोन में बहुत हेल्पफुल है क्योंकि जहां बहुत ज्यादा सख्त हड्डी है, इसमें हम लोड जल्दी कर सकते हैं, बट ये बोन बहुत कम, मुश्किल से 5% लोगों में मिलती है। मोस्टली लोग ये D2 और D3 में होते हैं। D2 बोन में आप आराम से 3-4 महीने छोड़ के इम्प्लांट लगा के ऊपर लोड कर सकते हैं, D3 बोन में लगा है तो कम से कम 6 महीने। अगर किसी की D4 बोन है, कायदे से वो इम्प्लांट लग ही नहीं सकता क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट है कि उसमें किसी भी हालत में, अब ये देखिए जहां बोन सॉफ्ट है, ये देखें अगर आप इस पेशेंट में, ये मसूड़ा गला हुआ है, ये हमारे पास एक पेशेंट आया था और इसकी ये जड़ें खोल गई हैं क्योंकि मसूड़ा ले, हड्डी और मसूड़ा ले ही नहीं पा रहा, ये कम से कम 5-6 साल पुराना पेशेंट है। जब हमने एक और पेशेंट है जिसमें खोल के देखा तो इस तरह से हड्डी गली हुई। तो जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, एक तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे जो कि हम स्कैन करते हैं वो 3D अपने आप लेके प्रिंट कर देता है, प्रिसीजन बहुत बढ़िया हो गया है। आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप खाली टाइटेनियम के नहीं बनेंगे, सेरामिक के और जिरकोनिया के भी इम्प्लांट बनेंगे, जो कि अभी बहुत पॉपुलर नहीं है बिकॉज दे आर कमिंग आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव, बट आई थिंक आने वाले दिनों में ये चीज आएगी। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, वही जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, वही शुरू में 3D प्रिंटिंग, यह है कि जो 3D स्कैन है वो आपको बता देता है कितना चौड़ा इम्प्लांट, कितना ये,
और कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये है कि आपने एक लैब को भेजा, वो कंप्यूटर से ही सारा कुछ बन जाता है। और ये मैंने जस्ट दिखाने के लिए, ये स्कैनर ये पूरी इमेज ले लेता है और ऐसी की ऐसी इमेज ही चली आती है वो। दैट इज ऑल। कुछ पूछना है तो अभी मैं रुक सकता हूं थोड़ी देर। इनको हटा लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, है ना। ये जो शेयरिंग कर रखा है डॉक्टर, इसको हटा ले, है ना, ताकि सब लोग। हाँ ठीक है, मैं बस थोड़े से या आपसे, अभी रिसेंटली हमने जनरल वीके सिंह का पिछले हफ्ते इम्प्लांट डाला है, बहुत बढ़िया, तो पिछले हफ्ते ही ये बेटे ने उनका डाला है इम्प्लांट। ये वो नसीम जैदी हैं, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके भी हमने इम्प्लांट्स डाले थे। और ये कुछ हमारे फोटोज हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ जस्ट। ये बेटे ने जर्मनी से जो वो किया, और ये कुछ शेयरिंग मोमेंट्स हैं। तो मैं शॉर्ट में कहता हूं कि होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए अपने हेल्थ की तरफ, वो रियली हेल्प करती है। थैंक यू। जी हाँ जी हाँ। अब इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में हमारे देवऋषि साहब तो सब धन्यवाद कह देंगे। ऐसे इसमें जो मेन पॉइंट आता है कि इम्प्लांट में मार्केट में काफी तरह के आते हैं, अब उसको पेशेंट को तो मालूम होता नहीं है कि कहाँ का लगवाई, बहुत से यूएसए के हैं, जर्मनी के हैं, कोरियन नहीं तो है। चलिए, हम तो ये हमारे यहाँ रेगुलर प्रोटोकॉल है क्योंकि हम जो अवेलेबल, क्योंकि हम भी तीन चार वैरायटी रखते हैं, जो वर्ल्ड के चार पांच टॉप ब्रांड्स हैं उनमें से हम दो ब्रांड यूज करते हैं। एक हम इजराइल वाला जो आप जैसे कह रहे थे वो भी ब्रांड अवेलेबल है, बट जो जितनी प्योरिटी मेटल की और जितनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो जर्मन और स्विस इम्प्लांट्स में है वो किसी और में नहीं है। अच्छा, पेशेंट को तो खैर मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सा लगा दिया उसके, उसको तो ये नहीं, है। ये पेशेंट को भी जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि अब इस टाइम मार्केट इज फ्लडेड बाय चाइनीज इम्प्लांट्स, चाइनीज काफी है। और उनकी अनफॉर्चुनेटली इसराइली तो फिर भी ठीक है, कोरियन भी ठीक है, बट चाइनीज इम्प्लांट ने बहुत प्रॉब्लम करी है। और जो दूसरी चीज ये है कि जो हेल्थ असेसमेंट है पेशेंट का वो बहुत जरूरी है बिफोर द इम्प्लांट। बिना उस डॉक्टर असेसमेंट के कभी भी होते हैं इम्प्लांट इम्प्लांट इज नथिंग टू बी, कोई ये उसकी प्लांट सर्जरी है, ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। अनलेस किसी का दांत टूटा है, यंग है और सामने का दांत है तो चलो मान सकते हैं, बट वो ऐसी स्थिति 1% है, 5% है। 95 प्लांट सर्जरीज है। प्लांट सर्जरी में हर हालत में सारे ब्लड टेस्ट होने चाहिए, मेडिकल क्लियरेंस होना चाहिए, इम्प्लांट के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद ही इम्प्लांट रहना। ऐसा, ये इम्प्लांट जो कराते हैं पेशेंट, तो इसमें कोई लाइफ भी होती है, जैसे मतलब कितनी लाइफ तक ये चल जाता है, मतलब 5 साल, नहीं, यही तो मैं कह दस रहा साल हूँ, अभी तक तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे जीवन भर चले। ऐसा तो देखिए, रूट कैनाल भी हम लोग करते थे, अक्सर पूछा जाता था रूट कैनाल। अब हमारे यहाँ बदनामी इसलिए हुई, आज भी रूट कैनाल अच्छी आती हैं, होती हैं, बट कई रूट कैनाल ऐसी होती हैं कि वो पूरी तरह से हुई नहीं तो ना चले, लिमिट हो जाती है लाइफ। और या कभी कभी अगर पेशेंट के नहीं निकलवाना चाहता दांत और वो बहुत, जैसे विजडम टूथ है, विजडम टूथ आइडली रूट कैनाल नहीं होना चाहिए, बट विजडम टूथ में कभी कभी पेशेंट कहता है कि रूट कैनाल हमारी कर दीजिए, तो हम कहते हैं भाई देखो इसमें लाइफ नहीं, हम कोई कमिट कर सकते। बट अगर हो, और किसी किसी का ऐसे, मेरे पास पेशेंट है, पेशेंट
पेशेंट की रिक्वेस्ट पे हमने रूट कैनाल करी और 15-20 साल चल गया, ज्यादा भी चल गया। मेरे पास तो रूट कैनाल के ऐसे ऐसे पेशेंट है जो मोहनगर में कभी 90 से पहले करी और अभी भी ठीक है। बट यह है कि उसमें पेशेंट को, और दूसरा ये रेगुलर चेकअप वाला जो सिस्टम है वो कई लोग नहीं फॉलो करते, क्योंकि आप कितना भी खुद करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं, इवन आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बट आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर हालत में आप रेगुलर चेकअप कराएं। डक्षा इम्प्लांट सभी को शूट कर जाता है जो डालते हैं एक्सटर्नल बॉडी? नहीं, देखिए ये तो टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी देखिए, जैसे आपके नी रिप्लेसमेंट होता है, हाँ जी जी हिप रिप्लेसमेंट होता है, इम्प्लांट ये उसी की तरह है। बेसिकली जो पहले डिस्कवरी डॉक्टर नोबल थे स्वीडन के, नॉर्वे के, जी वो ओरिजिनली ही वाज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। पहला इम्प्लांट उसी ने डिस्कवर किया। फिर एक अमेरिका का डॉक्टर था, उसने किया। मतलब ये बात है, मैंने पहला कोर्स, आप सुन के हैरान होंगे, 97 में मैंने पहला इम्प्लांट कोर्स अटेंड किया था, आई सी। एंड आई वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट ए इम्प्लांट डिपार्टमेंट इन संतोष वे बैक इन 2000। लोगों को लगता था कि इम्प्लांट डिपार्टमेंट क्यों खोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ऐसा भी होता है जैसे ऊपर का डेंचर पूरा लगा हुआ हो, वो डेंचर छोड़ करके उसमें 3-4-5 इम्प्लांट लगा के बाकी डेंचर 14 दांत का लग सकता है। हाँ, क्यों नहीं लग। देखिए जो चार वाला मैंने दिखाया, हाँ वो जी चार इम्प्लांट अगर अच्छी लेंथ के लग रहे हैं तो उन्हीं पे डेंचर सपोर्ट हो जाता है, जिसको ऑल इन आई फोर सी। कहते हैं। बट देखिए, अच्छा वो जो हड्डी की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और डेप्थ भी मिलनी चाहिए जी जी उसमें। देखिए कोई भी मेडिकल डिसीजन जहां इमरजेंसी नहीं है, हाँ जी वो हर हालत में, वो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आपका भी इमोशनल प्रेशर डॉक्टर पे नहीं जाना चाहिए, और डॉक्टर को भी इमोशनल नहीं होना है कि ये मांग रहे हैं चलो दे दो, करेक्ट। तो रक्षा क्योंकि कितना जो कॉस्ट? भी प्लैंड सर्जरी है उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे डिस्कस होने चाहिए। आई सी। कॉस्ट कितना करता है रक्षा एक इम्प्लांट? देखिए सस्ते, खाली इम्प्लांट की बात करें, हम लोग तो पैकेज देते हैं, नहीं बट प्लस सस्ते क्या इम्प्लांट कम अराउंड 30,000 रुपीज, एंड वेरी गुड इम्प्लांट गो अप टू ऑलमोस्ट 50-55,000 रुपीज, आई सी। प्लस द कॉस्ट ऑफ द अटैचमेंट विच कम्स फ्रॉम द सेम कंपनी। क्राउन सेम है, दो प्रकार के हैं, मेटल विद सिरेमिक और या फुल सिरेमिक। जी क्राउन मेटल, इसके ऊपर इम्प्लांट के ऊपर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है कि आप फुल सिरेमिक लगवाएं, क्योंकि मेटल तो आप लगवा ही रहे हैं, आई सी। मेटल विद सिरेमिक भी क्राउन लगवा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूं कि लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब फुल सिरेमिक, भैया वो मेटल को अवॉइड करना चाह रहे हैं। और ये जितने भी मेटल्स डेंटिस्ट्री में यूज होते हैं, ये MRI में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते। आई सी। हाँ ये मतलब, ये सवाल किसी ने पूछा नहीं, पर मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर कहीं मैं लेक्चर देता हूं तो लोग पूछते हैं कि जी इम्प्लांट लग जाएगा तो MRI करनी पड़ेगी तो क्या होगा। डॉक्टर सर, इसके जो सक्सेस रेट यानी कि इम्प्लांट कराने का जो माइनस पॉइंट है, मतलब यानी कि किस वजह से वो इम्प्लांट फेलियर होते हैं, मतलब यानी कि पेशेंट के साइड से या मतलब नहीं ये तो क्या? देखिए, अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है पेशेंट को, देखिए एक चीज मैं पढ़ाता था, मैं आज भी मेरे PGs मुझे कहते हैं सर आप इस बात पर, जब हम नया केस शुरू करते हैं इम्प्लांट का या कोई भी ऐसी चीज जिसका लॉन्ग टर्म हमें सोल्यूशन निकालना है, वो हमारा और मरीज का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए हमसे पूछने में, और हमें बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि डॉक्टर्स को अनफॉर्चुनेटली ट्रेन नहीं किया जाता इन अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस
जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या दूसरे से भी कर रहे हैं जिनका ओपीडी अच्छी है, वो सब ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, पर कई बार अच्छे से अच्छा डॉक्टर मैंने देखा है, मरीज के सवालों के जवाब देना हम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज मरीज का हक है सवाल पूछे। ये चीज हम बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि सारा, आप ये सोचिए, मुझे 40 साल हो गए मोहनगर में, मैं जब था तो इतने ब्लीडिंग का केस आता था, कहीं सिकंदराबाद में दांत निकलवाया खून आ रहा है, वहां से निकलवाया खून आ रहा है, नॉट इवन अ सिंगल केस इन माई प्रैक्टिस, बिकॉज वो मुझे केस सिखा गए कि भैया ब्लीडिंग होती क्यों है, और वो सारी चीजें हम मरीजों को बताते हैं कि ये तुम्हें परहेज करना है। शुरू शुरू में क्या सुनते थे, दांत निकलवाया, मेरी माँ ने कहा है गर्म शीरा पी लो, गर्म शीरा पिया और ब्लीडिंग और शुरू हो गई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेडिकल साइंस कोई एक मैथमेटिक्स तो है नहीं, एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल, और यही चीज डॉक्टर को भी समझनी है और मरीज को भी समझनी है। आप जब लगवा रहे हैं आपको क्या, अब ऐसे बहुत केस होते हैं, हमने 4 महीने का और हमें एक्सरे में लग रहा है 4 महीने में हड्डी ठीक नहीं, हम कह देते हैं 2 महीने इंतजार करो, क्योंकि जब वो लोड हो जाए उसके बाद हम नहीं चाहते कि वो, हम अपना फेस सेविंग के लिए 4 महीने पे लगा दें और बाद में पता चला बोन उतनी अच्छी है नहीं, तो कभी कभी बोन बनने में टाइम लग जाता है, विच इज ओके। और ये चीज पहले से भी बता देते हैं कि भाई इसमें 4 महीना हमारा असेसमेंट है, इट कुड बी मोर। जैसे प्लास्टर होता था, कई लोगों के प्लास्टर डॉक्टर थोड़ा देर से खोलता था, वो इसलिए क्योंकि उसको लगता था हड्डी उतनी अभी मजबूत नहीं बनी है, एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट हीलिंग, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, हर एक का कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन फर्क है। जैसे कुछ लोगों को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, आई हैव सो मेनी पेशेंट्स इन माय कैरियर, बहुत ज्यादा नहीं, साल में 1-2 आते हैं जिनके सारे टेस्ट ठीक है बट उनकी नॉर्मली ब्लीडिंग ज्यादा टेंडेंसी, तो उनको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो वही जो एआई की बात आई, एआई बहुत अच्छी चीज है जहां हम, बट एआई या मशीन या कंप्यूटर आपको एक मशीन की तरह समझेगा, उसमें डॉक्टर की बुद्धि का तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए, और अच्छी वाली बुद्धि का, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल आई एम क्लियर व्हाट यू वांट टू रिसीव, हाउ कैन आई डिलीवर इट टू यू। जी सर, एक लास्ट सवाल ये कि इम्प्लांट लगाने की क्या तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्या कैसे प्रिकॉशन हम लोग क्या लें, जैसे हम लोग बड़े कई जगह लापरवाही करते हैं, खाना खाया हम लोग पेस्ट नहीं करते हैं, रात को ऐसे सो जाते हैं, कुछ भी खा लिया, ये भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना। खाना खाते हो, क्या खाते हैं उसकी भी इम्पोर्टेंस है, ये भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप डबल रोटी पिज्जा खा रहे हैं, आप कितना भी ब्रश करेंगे आपकी सफाई संभव नहीं होगी, आप तंदूरी नान खाएं, कुलचा खाएं, जितना बेकरी का प्रोडक्ट है, आई एम सॉरी टू से बट वो सारा चिपकता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर, एक एज के बाद हमको मतलब ज्यादा इन चीजों में नहीं करना चाहिए। एनीबडी हु इज मोर देन 50 शुड आस्क द डॉक्टर कि मैं क्या चीज नहीं खाऊं। आप ये सोचिए, हम नट्स सारा सारा साल खाते हैं आजकल, पहले नट्स थोड़ी खाते थे साल भर, नट्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। आप देखें बाहर नमकीन आने लगे, आज के आपकी नमकीन सीलती नहीं है क्योंकि वो क्रिस्प बनाई जाती है, वॉट एवर दे डू आई डोंट नो बट वो क्रिस्प बनाई जाती है, तो वो हर चीज बड़ी क्रिस्प और हार्ड है जी, तो हर चीज का प्रयोग बढ़ गया है हमारा, वैरायटी ऑफ फूड बढ़ गया है, भाई फूड का भी तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रॉब्लम्स में, और वो खाली दांत में नहीं है, ओवरऑल हेल्थ में। जी चलिए, और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग सवाल पूछें। जी जी हमारे डॉक्टर पाल मदान साहब हैं, ये अपना आपको खाली 45 साल के जीवन में बहुत कुछ। हेलो नमस्कार डॉक्टर, मेरे तो टीचर्स मेरे पेशेंट हैं, दे आर माय बेस्ट टीचर्स, आई एग्री बिल्कुल, एंड स्टिल आई एम लर्निंग।
आई ऑलवेज से दैट लर्निंग नेवर इस दिन ये दिमाग में फीलिंग आ गई कि नहीं बस अब तो हो गया, तो बस उस दिन तो गड़बड़ है। जी पूछिए, कौन पूछ रहे सवाल? जी क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी कोई भी असमर्थता हमसे शेयर करते हैं, तो हम उसको मैनेज में अपने मैनेज करने में अपने को सक्षम बनाते हैं। जी 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 हाँ, चंपा जी आप पूछ रही हैं कुछ? जी पूछिएगा। जी जी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर नमस्कार जी। साहब, ये डेंचर की सफाई कैसे करते हैं? डेंचर खराब बड़ा जल्दी हो जाता है, मैला मैला सा। नहीं, पूरा डेंचर है, इम्प्लांट लगे हुए हैं। नहीं, पूरा डेंचर अलग से लगाओ, जैसे ना साफ करने वाला, निकालने वाला। जो जो डेंचर है वो बाकी दांत कितने हैं आपके मुंह में? मतलब दाढ़े तो नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा, सामने के दांत हैं, सीधे दांत वो भी नीचे नहीं है, सामने दांत। हैं। अच्छा, नहीं, देखिए बेसिकली तो मुंह की सफाई अगर रहेगी तो डेंचर भी कम गंदा होगा। मतलब मैला मैला सा हो जाता है ना जैसे, तो उसमें एक गोली दे रखी फिटी डेंट, वो हाँ डाल देते हैं, ठीक है, उसे वो उसको सही साफ है, हो जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो हार्ड ब्रश से दांत नहीं साफ करना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए हर खाने के बाद आप तेज पानी में अगर डेंचर को धो लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं? डॉक्टर पारमिता साहब, आप भी कुछ पूछ रहे हैं आज नहीं, से? मैं ये ऑफर ऑफर दे सकता हूं सबको जो अरविंद जी के सहयोग से हैं। कोई मेरी सहायता की, मैं ठीक है, मैं प्रोफेशनल हूं, जो भी मैं फ्री चेकअप कर सकता हूं सबका। मुझे कोई, आई एम ऑलरेडी सीनियर सिटीजन, तो मैं कोई भी सीनियर सिटीजन को फ्री में देख सकता हूँ एट भाई एनी जी टाइम। हमारे जितने भी लोग हैं ना, ये अमृतसर से हैं, AK सेठी साहब, नैब साहब कानपुर से कभी हैं, भी गाजियाबाद आए और मेरे से कुछ जी भी कोई सहायता हो सकती है मेरे से, मैं मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत अच्छी बात क्योंकि कभी-कभी है। कोई प्रॉब्लम फोन, मतलब बातचीत से नहीं सुलझ सकती है, और अगर जरूरत पड़ती है तो हेलो हेलो साफ नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? जी पाल मुदा साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अबोहर से हैं या बोर से हैं? गला क्या क्या हुआ? डॉक्टर पाल मुदा साहब, आपकी आवाज जो है, चलिए और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर धन्यवाद देंगे हमारे। कोई पूछ रहा लगता, कुछ आवाज आ रही तो पॉल मदान आवाज साहब, का। इनकी साउंड ना वहां पर सिग्नल कमजोर आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज आपने विजडम टूथ के बारे में बोली थी, वो सबसे लास्ट में होते हैं और मुझे लगता है सबसे जल्दी कैरीज उन्हीं में लगती हैं, क्योंकि वो उनमें सफाई नहीं ठीक से हो पाती है। उनका आपने कहा RCT नहीं करवाना चाहिए, तो दैट शुड बी अपॉइंटेड, करवा लेने चाहिए। देखिए, आपने वैसे बहुत अच्छा जागरूक सवाल है। देखिए, अकल दाढ़ हमारी बॉडी की, आपने सुना होगा एक म्यूटेशन वर्ड यूज हुआ था जब ये कोविड आया था, म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है कि हम जेनेटिकली चेंज कर रहे हैं। अब जो हम इंसान हैं, हमारी भी म्यूटेशन होती रहती है। उस म्यूटेशन में हमारे बॉडी में बहुत सा, पर हमारी म्यूटेशन होने 1,000 साल 2,000 साल लग जाते हैं, तो एक जनरेशन तो नहीं देखती। तो हमारी जो अकल दाढ़ है वो ऑलरेडी इन द फेज ऑफ एलिमिनेशन है। आने वाले, मतलब कुड बी अनदर 500,000 टू आई डोंट नो इयर्स में वो डिसअपियर हो जाएगी। ये यूज नहीं हो रही ना, नॉर्मल काम में यूज नहीं हाँ जी हाँ होती। जी, क्योंकि हमारे खाने की प्रक्रिया बहुत ड्रेस्टिकली बदल गई है, तो उस चक्कर में ये क्योंकि एलिमिनेट हो रही है, तो हम अब हर जगह वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां तो दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉ अबाउट हेल्थ, इसलिए वो इम्पोज कर पाते हैं अपने को स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर, क्योंकि वहां पेशेंट की रिक्वेस्ट रूल से बाहर नहीं आती।
अब अक्लदार लेके कोई जाता है प्रॉब्लम, तो वहां तो यूएस यूएस में तो चारों एक साथ निकालने की बात करते हैं अंडर जीए। अब वो मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए पेशेंट को बहुत ज्यादा इमोशनल और मेडिकल टॉर्चर ही है एक तरह से कि चारों एक साथ निकाली जाए। बट डेफिनेटली इतना तो हम लोग कहते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया में ऊपर नीचे की दोनों एक साथ निकलो इफ पॉसिबल हेल्थ वाइज। कभी कभी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही है तो बात अलग, वो अलग इशू है। बट अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो देन वी शुड गेट टीथ एक्सट्रैक्टेड। आई गॉट माय विजडम टीथ एक्सट्रैक्टेड व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, पीजी कर रहा था शायद मैं, 22-23 साल की उम्र रही हूँ। तो अगर आपके हैं और कीड़ा लग गया है, बहुत अर्ली स्टेज पे आपने डिटेक्ट कर लिया है, फिलिंग करा लें। अगर कोई बगल का दांत मिसिंग है तो हम रूट कैनाल करके कभी कभी उसको बचाते भी हैं। बट आइडियली एज अ फर्स्ट चॉइस हम उसमें नहीं इनकरेज करते कि रूट कैनाल हो या कोई भी कंजर्वेटिव प्रोसीजर हो अगर निकालना पॉसिबल है। जो ये अक्कल दाड़ होती है डॉक्टर साहब, ये कई बार क्या और चीज में रखने से दिक्कत भी पैदा करती है क्या? नहीं नहीं बहुत दिक्कत पैदा करती है। अब जो मैं टीएमजे की बात कर रहा था, जो मैं टीएमजे की प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, ये मोस्टली वो एक सर्टेन परसेंटेज वही ज्यादा है जिनकी अकलदार टेढ़ी आ रही है या आ नहीं रही है, क्योंकि जबड़े में जगह नहीं है। अच्छा, इसका ताल्लुक कोई अकल से तो नहीं होगा ना? हुआ क्या, हम कई चीजों में तो अंग्रेजों को फॉलो करते रहे ना, ये दाढ़ धीरे धीरे लेट आने लगी पिछले 1000-2000 साल में। उससे पहले जो जंगल में रहने वाले थे उनकी तो बत्तीस ही रही होंगी। तो जब लेट आने लगी तो वो उस एज तक आई जब 17-18 विजडम होता है। तो अंग्रेजों ने उसको विजडम टूथ का, हमने उसका हिंदी रूपांतरण करके अकलदाढ़ बना दिया। अभी भी आप सुन के हैरान होंगे, हाँ, जितनी किताबें हैं स्मोकिंग पे 500 से 1000 चैप्टर के पेज हैं एक बुक में, अच्छी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में। और पान मसाला पे 10 पेज भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां उस पर कोई लिखने वाला नहीं है, जबकि हमारे पास इतना वर्क है उस पर। बट कोई उसको डॉक्यूमेंट करके लिख दे तो किसी किताब में लोगों को उस बात की जानकारी भी जाए, स्टूडेंट्स को भी जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ये चीजें हैं जो हमें हिंदुस्तान के डॉक्टरों को खलती है। मतलब मैंने भी जब पढ़ाता था तो कहीं कहीं से इधर उधर से जर्नल से इधर उधर से मैटर इकट्ठा करके, बट किताबों में बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, और जबकि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा वो है, प्रॉब्लम है पान मसाला। जी, तो मैं समझता हूँ किसी कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आदरणीय देवी साहब हमारे धन्यवाद। सारा ज्ञान जो है वो रेडीमेड वहीं से आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने से उतनी रिसर्च नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डॉक्टर्स नहीं करना चाहते, मैं क्योंकि कॉलेज में रहा हूं, बट इस पे भी इंसिस्टेंस है कि इतना मिनिमम पेशेंट होना चाहिए। तो पेशेंट को रश बढ़ाने का कार्यक्रम, अगर आप पेशेंट ज्यादा देख रहे हो बाहर, क्या है एक डॉक्टर 2 मरीज देख लिए बहुत है एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। हम एक एक दिन में कम से कम 30-35 देखते थे। तो रिसर्च नेचुरल है, वो कहीं ना कहीं तो रिसर्च उस तरह की हो नहीं पाती। ये वाटर ब्रशिंग का काम भी मैंने उसी में कराया। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि डेंटिस्ट डेंटल का जो ट्रीटमेंट कॉस्टली होने की वजह से पेशेंट थोड़ा सा कई बार जब तक बिल्कुल ही दर्द नहीं होता तब तक जाता भी नहीं डॉक्टर के पास में। बिल्कुल नहीं, यहाँ ही एक और पेशेंट प्रश्न एक अरविंद जी पूछे थे, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं है तो इनकी मेडिकल एसोसिएशन क्यों नहीं है? इंश्योरेंस कवर होता है जब एक्सीडेंट हो जाए। आपका बिल्कुल बड़ा उचित सवाल है। देखिए, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी डेंटल तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अभी डिजिटलाइज नहीं हो रहा है।
जब तक डिजिटलाइज नहीं हो। देखिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, आपका जो ओपीडी है उस पर अभी भी आज भी बहुत पैसे कटते हैं, मोस्टली देते ही नहीं। अगर आप गए बुखार में और डॉक्टर से दवाई ली, उस पर आपने इंश्योरेंस की, अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो यस आपको मिल जाएगा, बट आप ओपीडी में दिखा के क्लेम करेंगे तो मोस्टली नहीं मिलता है। कुछ कुछ डॉक्टर्स के यहाँ है, मिल जाता है दिल्ली विल्ली में, बट मोस्टली नहीं मिलता है। उसका रीजन क्या है, दे नीड एन एविडेंस दैट एक्चुअली यू हैव रियली डन दिस वर्क। आंखों का तो मिल जाता है, एविडेंस बेस्ड है ना सारा कुछ, क्योंकि कैटरेक्ट का मिल जाता है, जैसे कैटरेक्ट का उसी दिन सारा कुछ उसमें कहीं। देखिए हमारे यहाँ वो चीज जब तक नहीं डेवलप होगी कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा स्ट्रिक्ट, ये उसकी प्रॉब्लम। आई थिंक अरविंद जी इस बात को ज्यादा समझेंगे। सही कह रहे हो, हाँ, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। देखिए क्लेम देना मींस कि उनको विश्वास होना चाहिए कि सब सही हो रहा है। नहीं, आप मेडिकल एसोसिएशन डेंटल वाले क्यों नहीं ये टेकअप इशू करते अपने इंटरनल? ऑलरेडी टेकअप कर चुके हैं, बट वो जो चाहती है सरकार वो, अब देखिए आप सुन के हैरान होंगे, पहले सारे स्टेट लेवल पे हम लोगों की रजिस्ट्रेशन होती थी, तो कोइंसिडेंटली मैं अपने प्रोफेशन में मैं बहुत वीआईपी लोगों को देखा, तो एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर थी जो आजकल अभी भी मोदी जी के उसमें है, तो वो डिजिटल इंडिया की चेयरमैन बनी। तो मेरे से कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी क्या सलाह है, मैंने कहा जी हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है डेंटल काउंसिल में भी कि आप किसी डॉक्टर का नाम दें और पता लग जाए ये कहाँ है और क्या करता है क्या। कहते अच्छा ऐसा नहीं है, मैंने कहा नहीं है, मतलब बाकी सब जगह बड़ा स्ट्रिक्ट है, आपके बार में है, आप एक नाम डालें तो फट से पता चल जाता है किस शहर में और कहाँ है। तो अब जाके वो पूरा नेशनल मेडिकल और डेंटल रजिस्टर बन रहा है, अब वो डिजिटलाइज हो रहा है, अब हर आदमी को उसमें रजिस्टर होना जरूरी है। क्योंकि पहले तो ये सारा, अब सपोज मैंने एक रसीद दी कि आपका जेन्युइनली इम्प्लांट लगा और उस नेशनल मेडिकल रजिस्टर में मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, तो मेरे बिल की तो अहमियत ही नहीं है ना वहां। आप मानते हैं ना अरविंद जी, बिकॉज ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ मतलब ये है कि वो, नहीं, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो कवर होता है ना, अगर एक्सीडेंट कीपिंग हो जाएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी, आने वाले दिनों में आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए साहब, आदरणीय जेबीसी साहब, धन्यवाद की दो शब्द दीजिएगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, छोटा सा प्रश्न साथ में पूछ लेता हूँ डॉक्टर साहब, किसी खराब हो रहा है तो उसको बीपी हो गया और ये हो गया, तो रिवर्स भी तो ट्रू है ना, आपको बीपी और डायबिटीज है और आपके गम्स इसलिए खराब हो रहे हैं, ये भी है। वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। हाँ वो तो ऑलरेडी जब हम जब से पढ़ते हैं तब से एस्टेब्लिश है। ये जो आई है पिछले 10-12 साल में, हमने मौलाना आजाद में एक कोलोकियम कहते हैं, आजकल एक ही टॉपिक पे अगर कॉन्फ्रेंस होती है उसको कोलोकियम कहते हैं, तो वो हमने 2014 में मौलाना आजाद में कराई, आई वाज द कॉन्फ्रेंस चेयरमैन। हमने वहां से बोस्टन से एक टीम मंगाई थी, दो लोग आए थे और भी लोग आए बट मेन दो ही थे जो इंटरनेशनल क्लेम के थे, तो यही तीन विभाग पे उनका जोर था, हार्ट, शुगर और प्रेगनेंसी, ये तीनों में प्रूव हो चुकी है मेडिकली, तो वो तो उधर से तो असर है ही। देखिए कई दवाइयां ब्लड प्रेशर की ऐसी हैं जो मसूड़े खराब करती हैं, डायबिटीज में मसूड़े फूलते हैं ये तो बहुत पहले से जाना जाता है, हड्डी गल जाती है दांतों की, और प्रेगनेंसी में भी जो लेडीज के हार्मोनल इम्बेलेंस ज्यादा होता है उनके मसूड़े ज्यादा लूज होते हैं, उनके दांत, मतलब आई हैव कम अक्रॉस, मैं तो उस जनरेशन से हूँ कि जहां मुझे मालूम है कि दांत सारे हिल गए प्रेगनेंसी के दौरान, पहले बहुत कॉमन था ये, अब तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ गई है, लोग डेंटिस्ट मिल गए हैं,
हर जगह अवेलेबिलिटी ट्रीटमेंट की है अच्छी, तो बहुत सारी चीजें पे रोकथाम वो है। और इसमें मतलब आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री का बहुत पॉजिटिव योगदान है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा रहा आपका ये आज का प्रोफेशन। छोटी छोटी बातें हैं और बड़ी बातें भी हैं, सारी बताई आपने। डेंटल इम्प्लांट के बारे में तो बताया बताया, एक बार पहले भी दूसरे डेंटल में उसमें भी ये पूछा था, ये जो टूथपेस्ट का यूज हाँ, कितना होना चाहिए, टूथपेस्ट का। हाँ ये आज उसमें जिक्र था नहीं। देखिए, जी जितने भी हैं, वही मैंने कहा ना, मैंने आपको दवाइयों का उदाहरण दिया कि अब हमारी दवाइयां में दवाई कम है और दूसरी चीजें ज्यादा हो गई। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही पेस्ट है। पेस्ट में फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, वाइटनिंग एजेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें मिल गई हैं और सब में है। तो ऐसे में आप कैसे उसको कंट्रोल करें? तो पहले मैं कहता था मटर का दाना, अब कहता हूं लोबिया का दाने के बराबर पेस्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज नुकसान है इसका। अब ये तो मेरे लिए कहना, कोई मैं अपनी कोई लैब नहीं है कि इन चीजों पे मैं कोई ज्यादा विश्लेषण या कोई टिप्पणी कर पाऊं, बट मेरी फीलिंग है उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक, जैसे ज्यादा ज्यादा बर्तन मांजते हो, ज्यादा वो लगाएं बाहर तो चिपका रहता है वो, अगर आप पानी से बिल्कुल अच्छे से धना धोएं। और पानी का बचाव तो आप कर ही रहे हैं जब पेस्ट कम ले रहे हैं, बहुत अच्छा। धरती का और भला हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा आपका डेंटल इम्प्लांट के बारे में, और आशा करते हैं भी डेंटल के बारे में दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप आस्ता आस्ता लेंगे, एक आध और आपका प्रोग्राम आगे से देखा जाएगा एक मैं निवेदन आपका। करूंगा, बहुत ला आजकल आजकल जो बच्चों में बहुत दांत की बीमारियां हैं बिल्कुल भयंकर, उसको मैं पहले से, मुझे पता हो तो मैं कई हाँ सारे यंग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, क्योंकि ओल्ड लोग तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, अभी यंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और शायद उनको ज्यादा ये ये मैसेज बात आई ज्यादा। थी लास्ट टाइम, आई थी बात कि बच्चों पे लिया जाएगा, बहुत सही कह बच्चों रहे के दांतों का बहुत गंभीर है, इतना बच्चा आ रहा है कि मुझे देख के, एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछें, मैं जिस जनरेशन का हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हैं। और उसमें क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास ना टाइम है ना जागरूकता है। वही पिज्जा है और चॉकलेट है, वही सब चल रहा है, बात ही वही है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना, अनफॉर्चुनेटली वहां कोई पहले हेल्थ एजुकेशन थोड़ी बहुत दी जाती थी, अब नहीं है। अब तो बस मुझे तो अभी सुन के, आई थिंक साल 1.5 साल पहले पता चला कि फिट जी की तैयारी 6 से शुरू हो जाती है, एक बच्चा 6 से जा रहा है फिट जी में। ओह गॉड, 9 से तो सुना था सर, अब ये 6ठी से भी हो गया शुरू। मैं तो घबरा राइट, गया, मैंने कहा नन्ही सी जान जा रहा है, 6 5 साल तो वो तैयारी करेगा, 6 7 8 9। बट चलो ये ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके पोर्टल के लिए। आगे भी आपके दर्शन होते रहेंगे, हम लाभ प्राप्त करते रहेंगे। बहुत सेवाओं हम लोग के लिए तो बहुत ही, हमारे एज के ग्रुप के लिए तो आपका, हम तो मैं आप बोल रहे, तो सोच रहा था भाई डेंटल के जब भी जाते हैं कोई ऐसा कंपलसरी होना चाहिए, भाई 6 महीने बाद जाना ही जाना इसका। मैं तो अपने अपने डेंटल को भी इनको बोला हुआ है, भाई आप एक रिमाइंडर दे दिया करें भाई, आपका कंसल्टेशन का टाइम हो गया। ये आप लोग देते नहीं हो रिमाइंडर, हमें जेंटल रिक्वेस्ट दे देनी चाहिए भाई, क्यों ये जाना बहुत जरूरी है। कोई जब खराब हो जाता आदमी तभी जाता है, इससे पहले चला जाए तो खराब हो ही ना। एक आप किस कैसे इसको रेगुलेट करें, तो वाकई कर एक, सकता हूँ सबके लिए, ये कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर पालमदान उंगली दिखा रहे हैं। हाँ साहब, डाउन खोल लीजिएगा, उंगली दिखा रहे हो। डाउन खोले हाँ जी सर, डॉक्टर पालमदान, उंगली दिखा रहे सर हैं। जाने से पहले ये उंगली दिखा रहे हेलो, हैं, बोलो हाँ जी डॉक्टर पॉल, जी, बताएं। आपका 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 लगता है इंटरनेट थोड़ा इंटरनेट वीक कमजोर है है। वहां का, आपके होठ भी नहीं हिल रहा है, इंटरनेट कमजोर लग रहा है आपको काफी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से जो मैं मेरी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ। जी हाँ जी हेलो, बोलिए।
आप आपकी तरफ कोई कोई देसी देसी धन्यवाद प्रैक्टिस ऐसी डॉक्टर बताइए साहब, मेरा एक अनुरोध जो के है, लिए बहुत मैं लाभदायक हो, आपको दांतों की सफाई, डॉक्टर दांतों की बीमारी। ब्रशिंग, पानी से ब्रश करना। हाँ एग्जैक्टली, मैं बहुत बिल्कुल यही मैं पूछना चाहता क्या आप पिछली बार नहीं रहे होंगे, मैं तो इस बात को कम से कम 15 साल से बता रहा हूं कि हर खाने के बाद करता हूं, आप मैं तो करता हूँ। हाँ ब्रश उठाइए, पानी में भिगोइए और सिर्फ पानी से ब्रश करिए, उससे और बढ़िया कोई। अच्छा, और अच्छी तरह स्वर्लिंग करिए, अच्छी स्वर्लिंग करिए। और खूब अच्छे से कुल्ला करिए। यस, हाँ अब देखिए हमारे कुल्ले को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अमेरिकन कंपनियों ने वाटर पिक लॉन्च किया है, आई एम सॉरी टू से, वो प्रेशर से पानी डालता है। आप कहीं अगर आपके कोई बच्चे बाहर हो तो वहां बड़ा कॉमन है आजकल। और डॉक्टर ये उंगली से इसकी मसाज इधर किए जाए वो भी बहुत जबरदस्त। देखिए मसाज तो उस जमाने में ज्यादा बताई जाती थी जब बेसिकली ये मसूड़ों के प्रॉब्लम्स का ज्यादा ज्ञान नहीं था। अगर आपकी सफाई अच्छी है तो कोई मसाज की एक्चुअल जरूरत नहीं है। धन्यवाद आदरणीय देवी सर, सबसे पहला धन्यवाद अरविंद जी को है, इन्होंने ऐसा मुहिम ये कर रखा है कि बिल्कुल लगे, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा बहुत कम मैंने कहीं देखा है। इनका बहुत मुहिम है ये, रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हम सबसे ज्यादा तो थैंक यू जाती है ये। धन्यवाद अरविंद देवी सर, धन्यवाद अरविंद प्रोफेसर डॉक्टर अनुभूषण जी। आप इससे पूर्व 10 अक्टूबर 2021 में आए थे हमारे यहाँ, हाँ जी हाँ जी, 2.5 साल हो गया। चलिए अब आप जल्दी जल्दी आएंगे। या तब हमारा एपिसोड था आपका 165 और आज है 864, यानी कि 710 के बाद आए हैं। तो अब जो नया विषय मैं समझता हूँ वो जो बच्चों के ऊपर है वो लिया जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जनरेशन जो नए बच्चे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं और ये जो जो भी चीज़ खाते हैं बड़ा उनके लिए अगर गाइड मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और धन्यवाद जूम के सभी लोगों का कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं आज का विचार, जीवन में परिस्थिति से हार न माने, जीवन में परिस्थिति से हार न माने बल्कि उनका डट कर मुकाबला करें, जीवन में परिस्थिति से हार न माने बल्कि उनका डट कर मुकाबला करें। सूर्य को भी अपने उगते समय में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है। सूर्य को भी अपने उगते समय में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, उसके बाद ही वह रोशनी देता है। वाह वाह, उसके बाद ही वह रोशनी देता है। महापुरुष वही बनते हैं जो जीवन के प्रत्येक स्थिति का डटकर सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। महापुरुष वही बनते हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति का डटकर सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए 3 बार बहुत बहुत शांतिरेव शांति सा।